हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है गाइस, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि अगर आपको एक्सेल में एक जीएसटी का इनवॉइस क्रिएट करना है तो वो कैसे आप कर सकते हो। मैंने एक एग्जांपल में रेस्टोरेंट का एक एग्जांपल तैयार किया है। और अभी देखिए, जैसे आप जोमेटो के ऐप में कोई भी चीज़ ऑर्डर करते हो तो वहाँ पर जो होटल्स होते हैं वहाँ पे इनके कुछ क्राइटेरियाज रहते हैं कि अगर आप इतना अमाउंट का ऑर्डर करोगे तो इतना परसेंट डिस्काउंट, इतना अमाउंट का ऑर्डर करोगे तो इतना परसेंट डिस्काउंट। तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि एक्सेल में मेरा जो भी टोटल हो, तो अगर मैं कुछ ऐसा क्राइटेरिया सेट करना चाहता हूँ कि अगर मेरा टोटल 1000 के ऊपर एक्सीड हो रहा है तो ऑटोमेटिकली 10% डिस्काउंट यहाँ पे शो होना चाहिए। 1500 के ऊपर मेरा टोटल हो रहा है तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे डिस्काउंट शो होना चाहिए 15%, 10%, जो भी, यानी अमाउंट के हिसाब से मेरा डिस्काउंट यहाँ पे शो होना चाहिए। अब आप सोचोगे कि एक्सेल में ये कैसे हो सकता है, तो यस, ये एक्सेल में करना पॉसिबल है। मैं आपको एक छोटा सा डेमो दिखा देता हूँ। पहले आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से ले लेता हूँ रोटी, ले लिया। अब रोटी में देखिए आपको यहाँ पे वैरायटीज़ आ जाएंगे, ये भी आप देख सकते हैं कि कैसे ऑटोमेटिकली मैंने रोटी लिया है तो रोटी के हिसाब से रोटीज़ के जो आइटम्स हो तो यहाँ पे आपको शो हो रहे हैं। समझो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिया कुलचा, यहाँ पे मैंने क्वांटिटी डाल दिया समझो 50 डालने के बाद यहाँ पे मैंने यूनिट्स में ले लिया पीसेस, और एक रोटी का दाम फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुलचा का मैंने रख दिया 20। अभी मैंने जैसे ही 20 लिख के एंटर करूँगा, आप यहाँ पे नोटिस कीजिएगा ये सारा चीज़, ये देखिएगा ऑटोमेटिकली इसने यहाँ पे लिखा है 10% डिस्काउंट अप्लाइड, और पूरा का पूरा इनवॉइस एक सेकेंड में तैयार हो गया, है ना कमाल की चीज़। अभी देखिए मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ से हम लोग ने ले लिया नॉनवेज, और यहाँ से नॉनवेज में देखिए सारे नॉनवेज के क्राइटेरियाज आ चुके हैं। अब यहाँ से मैंने ले लिया फॉर एग्जांपल चिकन अफगानी, और यहाँ पे मैंने फॉर एग्जांपल लिख लिया 4, और यहाँ पे मैंने ले लिया, चलिए कढ़ाई ले लेते हैं। अब यहाँ पे इसका रेट मैं डाल देता हूँ 300, ठीक है। तो अभी गौर कीजिएगा, और जैसे मैं 300 डालूंगा तो यहाँ पे देखिए ये डिस्काउंट भी चेंज हो जाएगा। एंटर करता हूँ एंड हियर वी गो गाइस, सी ऑटोमेटिकली एक्सेल ने यहाँ पे बोला कि भाई आप 1000 के ऊपर का ले रहे हो तो हम आपको 15% डिस्काउंट देंगे। और देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पे लिख के भी आ रहा है, कितना सही लग रहा है यहाँ पे, और उस हिसाब से कैलकुलेशन भी हो रहा है, सब मेरा CGST, GST फाइनल अमाउंट सब कुछ लिख के आ रहा है। तो बने रहिए इस वीडियो में, मैं आपको पूरा जानकारी दूंगा कि कैसे मैंने यहाँ पे ये एक ब्यूटीफुल इनवॉइस क्रिएट किया है जिसमें ऑटोमेटिकली सब कुछ कैलकुलेट हो रहा है, ठीक है ना। आपकी स्क्रीन के सामने सबसे पहले तो यहाँ पे आपको ये शो होता होगा, ये मेरे मेन्यूज है जो मैंने क्रिएट किए थे, ठीक है। सबसे पहले आपको करना क्या है, अब मैं आपको स्टेप्स बता रहा हूँ। चाहिए तो आप एक बुक एंड पेन अपने साथ कैरी कर लीजिए, और स्टेप बाय स्टेप जो मैं आपको बोल रहा हूँ वैसा आप उसको फॉलो कीजिएगा, ठीक है। नाउ सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है गाइस, कि यहाँ पे आपको जो आपके जो मेन मेन्यू के जो आइटम्स के नाम वो यहाँ पे आपको लिख देना है, जैसे कि रोटीज़, ड्रिंक एंड बेवरेजेस, नॉन वेज एंड वेज, ओके ना। रोटी में यहाँ पे आपको जो टाइप्स की रोटी आप प्रोवाइड करते हो यहाँ पे आपको लिखना है, ड्रिंक्स एंड बेवरेजेस में जो आप प्रोवाइड करते हो वो आपको यहाँ पे लिखना है, नॉनवेज में जो आप प्रोवाइड करते हो एंड वेज में जो आप प्रोवाइड करते हो वो यहाँ पे आपको लिखना है। ये सारा चीज़ लिखने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो आपको क्या करना है, सिंपली आपको जो मैं बता रहा हूँ उसको आपको फॉलो करना है प्रॉपरली। आपको क्या करना है, आपको पहले ये कॉलम को सेलेक्ट करना है। ये कॉलम को सेलेक्ट करने के बाद आपको कीबोर्ड से प्रेस करना है Ctrl Shift F3, ये एक शॉर्टकट की है जो आपको प्रेस करना है। मैं आपकी स्क्रीन के सामने लिख देता हूँ, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है Ctrl+Shift+F3, ठीक है। तो अब ये शॉर्टकट की है जो आपको प्रेस करना है। एक्चुअली ये शॉर्टकट की का बेनिफिट क्या है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले तो मुझे करना क्या है, ये सारे जो मैंने रोटी के टाइप्स लिखे हैं, ठीक है, उनको जो ये हेडिंग है रोटी वो ऐसा नेम मुझे प्रोवाइड करना है, ठीक है। जैसे हम नेम मैनेजर कहते हैं, जब हम फॉर्मूलाज में जाते हैं तो वहाँ पे हमको नेम मैनेजर का ऑप्शन मिलता है, तो मुझे ये सारे जो मेरे रोटीज़ के अंडर आते हैं उनको एक नाम देना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली मैं इस सब को सेलेक्ट करूँगा, और सेलेक्ट करने के बाद मैं प्रेस करूँगा Ctrl Shift+F3। जब आप Ctrl Shift+F3 प्रेस करोगे तो यहाँ से आपको टॉप रो को टिक करना है, और टिक करने के बाद आपको यहाँ से ओके प्रेस करना है, और सेम आपको अप्लाई करना है सारे कॉलम्स के लिए। आपको वन बाय वन सारे कॉलम्स को सेलेक्ट करना है,
प्रेस करना है आपको कंट्रोल शिफ्ट F3 और उसके बाद यहाँ से क्या करना है ओके। वैसे ये कॉलम को भी करना है और ये कॉलम को भी करना है। तो जब आप ये यहाँ से लेकर नीचे तक सेलेक्ट करोगे तो आपको देखो यहाँ पे उसका हेडिंग का नाम क्या दिखाई देगा, रोटी। वैसे जब आप इसको सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे आपको क्या दिखाई देगा, ड्रिंक्स एंड बेवरेज। सेम आपको यहाँ पे भी दिखाई देगा और सेम आपको यहाँ पे भी दिखाई देगा, सी वेज और यहाँ पे नॉन वेज। नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या करना है आपको, यहाँ से ये पूरा सिलेक्शन करना है और ये पूरा सेलेक्ट करने के बाद आपको इसको टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए आपको इसको सेलेक्ट करके डायरेक्ट आप कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस टी डायरेक्ट सेलेक्ट कर सकते हो, टी फॉर टेबल। कंट्रोल प्लस टी दबाने के बाद आपका ये टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा, नहीं तो आप सिंपली इंसर्ट में जा सकते हैं और इंसर्ट में जाने के बाद आपको यहाँ पे टेबल पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप शॉर्टकट ये देख सकते हैं, कंट्रोल प्लस टी आपको शो हो रहा है, ठीक है। तो ये करना है आपको आपके मेन्यू लिस्ट में। अब आ जाते हैं हम अपने मेन शीट पे। नाउ मैं सबको डिलीट कर देता हूँ पहले। सो अब ये जो चीज़ है जो मैंने किया है, यदि पॉसिबल हुआ कैसे उसके बारे में हम लोग देखते हैं, ठीक है। ये तो नॉर्मली है, ये आपको पता ही, आपको ये मर्ज एंड सेंटर करना है। मर्ज एंड सेंटर करके आपको यहाँ पे जो भी लिखना आप ऐसा हेडिंग लिख सकते हो। मैंने यहाँ पे जायका फूड कोर्ट मैंने एक खुद का बनाया है, नाम लिखा है वो यहाँ पे लिख दिया है। अगर आप ऐसे मर्ज एंड सेंटर करना चाहते हो तो मर्ज एंड सेंटर करो, नहीं तो आप, मैंने यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स का इस्तेमाल किया था, आप टेक्स्ट बॉक्स भी ले सकते हो, यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। इसके अंदर आपको जो भी लिखना है यहाँ पे लिख सकते हो। तो आप दोनों में से जो भी आपको करना चाहे, जो आपको ईजी लगे, जो आपको पसंद आए, वो आप यहाँ पे कर सकते हो। बाकी यहाँ पे ये यहाँ पे भी मैंने मर्ज एंड सेंटर करके यहाँ पे ऑर्डर आइटम्स लिखा है और यहाँ पे इनको बॉर्डर्स दिया है। यहाँ पे भी ये मैंने एक कॉलम्स बनाए हैं, क्वांटिटी यूनिट्स रेट अमाउंट, और इनको भी बॉर्डर्स दिया है, ठीक है। ये जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं आइकन्स, ये और देखिए ये गाइस, देखिए अभी ये बहुत कमाल का है। देखिए ये मूवमेंट होता है ऐसे, सी है ना, कितना सही है ना। अब आप सोचते होंगे अरे ये एक्सेल में ये चीज़ कहाँ से आई, तो अगर आप एक्सेल 2019 यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको इंसर्ट में 3D मॉडल्स करके एक नया ऑप्शन दिखाई देगा, वहीं से मैंने यहाँ पे ये इंसर्ट किया। और यहाँ पे ये आइकन्स आपको इसमें मिलेगा, वहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे जो मैंने इंसर्ट किए यहाँ पे आइकन्स, ये आपको आइकन्स में जाके मिल जाएंगे। आप आइकन्स में जाके जैसे टाइप का आपको आइकन सर्च करना आप वहाँ पे सर्च कर सकते हो। जैसे कि मैंने फूड से रिलेटेड बनाया तो मैंने सिंपली फूड सर्च किया था, तो मुझे वहाँ पे फूड से रिलेटेड जितने भी आइकन थे वो मुझे शो हो गए थे। यहाँ पे आप देखिए सर्च कर सकते हो, आपको आइकन शो हो जाएगा। और इसी तरीके से मैंने 3D मॉडल्स सर्च किया था, ये जो आप देख सकते हो जो मूवमेंट हो रहा है, तो वहाँ पे मैंने यहाँ पे देखिए आपको 3D मॉडल सर्च करना है जैसा भी चाहिए, तो 3D मॉडल भी आपके सामने शो हो जाएगा, ठीक है। नाउ अभी नेक्स्ट यहाँ पे सबसे पहला स्टेप, ओके, सबसे पहला स्टेप आपको करना क्या है उस पर आप फोकस कीजिए पहले। नाउ मैं क्या चाहता हूँ इस पूरे लिस्ट में, ठीक है, इस पूरे लिस्ट में यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे एक छोटा एरो पे क्लिक करूँ तो मुझे जो मेन मेरे आइटम्स के नाम है हेडिंग्स वो यहाँ पे शो जाने चाहिए। अभी यहाँ पे देखिए सब में मैंने ऐसा किया, आप देख सकते सब में ऐसा लिख के आ रहा है ना, सब में आ रहा है। अब इसका फ़ायदा क्या होगा, अभी फॉर एग्जांपल समझो किसी ने रोटी नॉन वेज और वेज तीनों चीज़ ऑर्डर किया, तो मैं यहाँ से रोटी ले सकता हूँ, यहाँ से नॉन वेज ले सकता हूँ और यहाँ से वेज ले सकता हूँ, ठीक है ना। तो ये हुआ कैसे, सबसे पहले हम उसको देख लेते हैं। आपको करना क्या है, आपको ये पूरा रेंज सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको जाना है सिंपली डेटा, डेटा में जाने के बाद आपको यहाँ से लेना है डेटा वैलिडेशन, ठीक है। डेटा वैलिडेशन लेने के बाद आपको यहाँ से क्या सेलेक्ट करना है, लिस्ट। लिस्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए मैंने एक अलग फॉर्मेट तैयार किया है, एक अलग क्राइटेरिया, एक अलग स्टेप तैयार किया है, ये जो मैंने किया जिससे मेरे ड्रॉप डाउन लिस्ट में मेरे सारे आइटम्स के नाम आ रहे हैं मेन हेडिंग्स के। उसके लिए मैंने किया क्या है वो आपको मैं बाद में बताऊँगा, पहले मैं आपको नॉर्मल तरीका बता रहा हूँ कि कैसे आप कर सकते हो। यहाँ पे देखिए मैंने इक्वल्स टू आइटम्स लिखा है, वो मैं आपको बाद में बताऊँगा आप नॉर्मली कैसे कर सकते हो। देखो पहले आपको करना क्या है, यहाँ पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपकी ये जो हेडिंग्स है 1, 2, 3, 4 आप इसको ये डायरेक्ट सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। सेलेक्ट करोगे, सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ से क्या करना है, इसको ओके करना है। जब आप ओके करोगे तो आपकी स्क्रीन के सामने अरे हर एक सेल्स के अंदर ऐसा एरो आ जाएगा और उस एरो के अंदर वो चारों नाम आ जाएंगे।
अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हो, आप मेरे मेथड किससे करना चाहते हो, तो देखो मैंने क्या किया, बहुत सिंपल, कुछ भी नहीं किया मैंने। क्या किया मैंने, इन हेडिंग को भी ना एक नाम दे दिया। जैसे मैंने, जब मैं इनको सेलेक्ट कर रहा हूँ तो एक नाम लिख के आ रहा है रूटीन का हेडिंग, तो वैसे ही मैं चाहता हूँ कि जब मैं इनको सेलेक्ट करूँ तो एक नाम आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है, आइटम्स। अब आप बोलेंगे सर ये हुआ कैसे, क्योंकि यहाँ पे इनका हेडिंग देने के लिए तो आजू बाजू कहीं आइटम्स लिखा होना चाहिए ना। आप देख सकते हैं लेफ्ट या राइट, कहीं भी आइटम्स लिखा ही नहीं है गाइस। एक्चुअली आइटम्स लिखा है यहाँ पे, मैंने आइटम्स लिखा है, मैंने इसको ना कलर से हाइड कर दिया है। देखो अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, जैसे कि मैं यहाँ पे कलर लेता हूँ ब्लैक, ये देखो गाइस मैंने इसको एक्चुअली हाइड कर दिया था वाइट कलर से। तो आप भी ऐसा करके हाइड कर सकते हो ताकि वो थोड़ा ऑड आपको ना दिखाई दे यहाँ पे कुछ लिख के। सो करना क्या है, आपको सेलेक्ट करना है आपके हेडिंग्स, और आपको सेम वही कीबोर्ड से वो शॉर्टकट की प्रेस करना है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस F3। तो आपको सेलेक्ट करना है, ओके, कंट्रोल शिफ्ट, हाँ सबसे पहले तो आपको यहाँ पे आइटम्स ये लिखना है यहाँ पे, ओके। सबसे पहले आपको यहाँ पे आइटम्स लिखना है। आइटम्स लिखने के बाद आपको यहाँ से लेकर ये पूरा हेडिंग सेलेक्ट करना है। वापस से सुन लीजिए, आपको यहाँ पे आइटम्स लिखना है। आइटम्स लिखने के बाद यहाँ से आपको ये पूरा एंटेक सेलेक्ट करना है, और अब आपको वही शॉर्टकट की प्रेस करना है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस F3। तो हम यहाँ पर प्रेस करेंगे कंट्रोल शिफ्ट प्लस F3, और सेलेक्ट करने के बाद अब आपको लेफ्ट कॉलम लेना। लेफ्ट कॉलम मतलब यहाँ पे जो मैंने नाम लिखा है वही मेरे ये हेडिंग्स के नाम हो जाने चाहिए। तो वो हो जाने के बाद अब आपको यहाँ पे आना है, आपको ये पूरा रेंज सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद डेटा टैब, डेटा टैब में जाना, डेटा वैलिडेशन, यहाँ से लेना आपको लिस्ट, और यहाँ पे आपको सिंपली प्रेस करना होगा कीबोर्ड से F3। यहाँ पे जो आपने लिखा है ना गाइस F3, सिर्फ यही आपको प्रेस करना है वहाँ पे। इसका फ़ायदा क्या होगा देखिए, जैसे आप यहाँ पे F3 प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, तो यहाँ पे जो आपने हेडिंग का नाम दिया आइटम्स हो यहाँ पे आ जाएगा। जब आप ओके करोगे तो यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे आइटम्स आ जाएगा और आपके लिस्ट में यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। तो आप दोनों वे से कर सकते हो, या तो आप वहाँ पे जाके सारे हेडिंग्स को सेलेक्ट करो, नहीं तो ये वे से भी कर सकते हो, ठीक है ना। अब आप सोचोगे कि सर आपको जब यहाँ पे रोटी सेलेक्ट कर रहे हो या नॉनवेज सेलेक्ट कर रहे हो, तो राइट साइड में मेरे नॉनवेज का आइटम शो कैसे हो रहे हैं? यस, इसे हम कहते हैं डेटा वैलिडेशन इनडायरेक्ट फंक्शन, ठीक है। बहुत आसान है, बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं करना है आपको। आपको से बाजू के सेल्स में क्लिक करना है और ये वन बाय वन करना पड़ेगा। इसमें तो आप एक साथ सेलेक्ट करके वो कर सकते हो जो मैंने बताया, बट हियर यू हैव टू डू वन बाय वन। करना क्या है, बाजू के सेल्स पे सेलेक्ट करो, डेटा में जाओ, डेटा वैलिडेशन, यहाँ से आपको सेलेक्ट करना लिस्ट, और यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्मूला आपको इस्तेमाल करना है जिसका नाम लिखना है आपको इक्वल्स टू इनडायरेक्ट। क्या लिखना है आपको यहाँ पे, इक्वल्स टू इनडायरेक्ट, ठीक है। मैं वापस बता देता हूँ, आपको बाजू के सेल में क्लिक करना है, डेटा, डेटा वैलिडेशन, और यहाँ पर क्या लिखना है आपको, इक्वल्स टू इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट लिखने के बाद आपको यहाँ से ब्रैकेट ओपन करना है। ब्रैकेट ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे, आपको इसके ठीक इसके लेफ्ट साइड वाला जो कॉलम है A8, यहाँ पे आप देख सकते हो A8, और ये डॉलर साइन अपने आप आ जाएगा, मैंने खुद से डाला नहीं, अपने आप फ्रीज हो जाएगा वो। आपको ये A8 को सेलेक्ट करना है और उसके बाद ओके कर देना, दैट्स इट। उसके बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको अपोजिट में उसके सारे आइटम्स के नाम आ जाएंगे। और सेम आपको नीचे भी करना है, सेलेक्ट करना है, सॉरी क्लिक करना है, डेटा वैलिडेशन, लिस्ट पे जाना, इक्वल्स टू इनडायरेक्ट। अब आपको इसके लेफ्ट साइड वाला ये A9 सेलेक्ट करना है। तो जहाँ पे भी आप करोगे उसके लेफ्ट साइड में जो डेटा वैलिडेशन में जो मेन हेडिंग का नाम आ रहा है आपको उसको सेलेक्ट करना है। तो ऐसे आपको एक एक करके ये सारे सेल्स को करना है, ठीक है। तो उस तरीके से जब आप करोगे तो आप यहाँ से आप देख सकते हो मेरे नॉनवेज साइड में पूरे नॉनवेज सेक्शंस आ जाएंगे और वेज साइड में मेरे सारे वेज सेक्शंस आ जाएंगे। ओके, सो अब बारी आती है यहाँ पे क्वांटिटी, यूनिट्स, रेट एंड अमाउंट्स के। तो ये तो हेडिंग्स आ जाएंगे आपके। अब यहाँ पे यूनिट्स में मैंने गाइस क्या किया है, यहाँ पे देखो पीसेस, बॉटल, प्लेट्स, कढ़ाई एंड नॉस, ये मेरा ऐसा लिख के आ रहा है। ये मैंने कैसे किया है, सेम वैसे ही किया है गाइस। मैंने क्या किया, मैंने इन सबको सेलेक्ट किया। इन सबको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे डेटा में गया, डेटा वैलिडेशन, यहाँ से मैंने क्या लिया, लिस्ट। अब लिस्ट में डालने के बाद यहाँ पे मैंने पीसेस लिया, बॉटल लिया, प्लेट्स, कढ़ाई, नॉस, ये मैंने मैन्युअली हाथ से लिखा है गाइस। आप ये चीज़ भी कर सकते हो। एक तो चीज़ मैंने आपको बताया कि आप यहाँ पे डायरेक्ट सेलेक्ट करो हेडिंग्स, नहीं तो आप अपने हाथ से जो भी आपको चाहिए वो यहाँ पे मैन्युअली कॉमा लगा के आप लिख सकते हो।
ठीक है, तो उससे क्या हो जाएगी आपके वो लिस्ट में सारे नाम ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे सारे नाम ऐड हो गए, रेट एंड अमाउंट। नाउ अमाउंट में मैंने एक फार्मूला लगा दिया गाइस। अमाउंट में मैंने फार्मूला क्या लगाया कि जो मैं क्वांटिटी परचेज करूँगा, जितनी भी क्वांटिटी, एक दो तीन जो भी, वो मेरा रेट से मल्टीप्लाई हो जाना चाहिए, तो मेरा क्या आ जाएगा, फाइनल अमाउंट। ठीक है, ये तो नॉर्मली सबको पता ही है। नाउ आगे बढ़ते हैं, टोटल। टोटल में मैंने क्या किया है गाइस कि यहाँ पे मेरा जो भी मैं ऑर्डर करूँगा उन सब का पूरा टोटल यानी एडिशन होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने फार्मूला लगा इक्वल्स टू सम, ब्रैकेट ओपन, मैंने ये सारे रेंज को सेलेक्ट किया है और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर किया है, तो ये हो गया टोटल। नाउ अब सबसे इम्पॉर्टेंट है इसके बारे में जो आप सब जानना चाहते होंगे, सो नाउ यहाँ पे मैंने लॉजिकल फंक्शन का इस्तेमाल किया है। क्या इस्तेमाल किया आप यहाँ पे, पहले इसको रीड कीजिए। देखिए मैंने बोला है इक्वल्स टू इफ ब्रैकेट ओपन, ठीक है, इक्वल्स टू इफ ब्रैकेट ओपन G15, यानी मेरा ये टोटल वाला सेल, यानी मेरा जो भी रेस्टोरेंट से मैं जो परचेस करूँगा उसका जो भी फाइनल बिल जो होगा मेरा, ठीक है, जिसको हम सैलरी में कैसा रहता है कि एक होता है ग्रॉस और एक होता है नेट सैलरी, जो आपको पूरा कट वट के PF कट करके जो आपके हाथ में आता है, तो ये समझ लीजिए ये ग्रॉस टोटल है। ठीक है, ग्रॉस टोटल मेरा जो भी होगा अगर वो 1000 के ऊपर होगा, कितना, अगर वो ये बिल 1000 के ऊपर गया तो मुझे यहाँ पे 15% का डिस्काउंट मिलना चाहिए उस पूरे टोटल पे। देखो आप यहाँ पे देख सकते हो इक्वल टू ब्रैकेट ओपन, मेरा ये टोटल को सेलेक्ट किया ग्रेटर देन 1000 तो 15% मल्टीप्लाई बाय वो टोटल। आपको पता ही है अगर हमको किसी का परसेंटेज निकालना है तो हम परसेंटेज का साइन डाल के मल्टीप्लाई बाय वो टोटल को सेलेक्ट करेंगे। उसी तरीके से मैंने क्या बोला, इफ़ दिस सेल इज़ ग्रेटर देन 500, अगर किसी ने 500 के ऊपर का ऑर्डर किया तो उसको कितने परसेंट का डिस्काउंट मिलेगा, 10% इंटू टोटल पे। फिर वापस से मैंने कॉमा लगाया, अगर किसी ने 100 के ऊपर का ऑर्डर किया तो बोला चलो उसको भी 5% का डिस्काउंट दे देते हैं, तो कॉमा 5%, किसका 5%, यस टोटल का 5%। अब लास्ट में मैंने यहाँ पे देखो गाइस एक चीज़ और की है, यहाँ पे मैंने कॉमा ही ब्रैकेट ओपन, अगर कोई लेस देन, ठीक है, अगर कोई लेस देन 100 का कोई ऑर्डर करता है तो उसको कुछ भी डिस्काउंट नहीं मिलना चाहिए, इसलिए मैंने वहाँ पे डाल दिया है 0। ये लास्ट में आप भी कर दीजिएगा, ये नहीं करेंगे तो आपने जो लास्ट कंडीशन दी होगी वही आपको वहाँ पे लिख के आ जाएगा, तो इट्स बेटर आप यहाँ पे कर दीजिए, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा यहाँ पे देखिए बाई डिफ़ॉल्ट यहाँ पे 0 लिख के आ रहा है। ठीक है, तो आप भी चाहते हैं कि बाई डिफ़ॉल्ट यहाँ पे आपका 0 लिख के आए तो जो लास्ट की कंडीशन होगी वो आप यहाँ पे ऐसे डाल दीजिए, क्योंकि भाई अगर लेस देन 100 है तो फिर आपका डायरेक्ट यहाँ पे 0 आ जाए। ये तो हो गया लॉजिकल फंक्शन से कंडीशन देके आप आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। अब ये कैसे आ रहा है भाई, यहाँ पे आप देख सकते हो कि 0 है तो नो डिस्काउंट कैसे लिख के आ रहा है, और जब डिस्काउंट ये रेट बढ़ा था तो 15% यहाँ पे अप्लाइड, 12% अप्लाइड जो भी था वो कैसे लिख के आ रहा है, तो चलिए ये भी दिखा देता हूँ। उसके लिए आपको ये याद रखना है, जो भी आपने अप्लाई किया है 1000 से ऊपर 15%, 500 के ऊपर डायरेक्ट 10%, 100 के ऊपर 5%। नाउ सेम आपको यहाँ पे भी लॉजिकल फंक्शन का इस्तेमाल करना है, इक्वल्स इफ ब्रैकेट ओपन दिस सेल, ठीक है, G15 इज ग्रेटर देन 1000, ठीक है, तो कॉमा, अब यहाँ पे आपको ये मैन्युअली हाथ से लिखना है, ठीक है, डबल इन्वर्टेड कॉमा करके आपको यहाँ पे हाथ से लिखना है 15% डिस्काउंट अप्लाइड। इसी तरीके से मेरा आ रहा है, अगर यहाँ पे 1000 हो रहा है टोटल, ठीक है, तो अगर 1000 से ज़्यादा हो रहा है यहाँ पे मेरा टोटल, तो डायरेक्ट मेरा यहाँ पे मैसेज क्या लिख के आ रहा है, 15% डिस्काउंट अप्लाइड। फिर वही सेम कॉमा ही ब्रैकेट ओपन, अगर मेरा एसएल 500 से ऊपर है तो मुझे क्या मैसेज लिख के आना चाहिए, डबल मीटर कॉमा ओपन करना है और वहाँ पे क्या लिखना है आपको, 10% डिस्काउंट अप्लाइड, और फिर वापस से कॉमा ही ब्रैकेट ओपन, इफ दिस सेल इज ग्रेटर देन 100 तो 5% डिस्काउंट अप्लाइड, और कॉमा ही ब्रैकेट ओपन, इफ दिस सेल इज लेस देन 100 तो नो डिस्काउंट। ठीक है, तो सेम जो आपने यहाँ पे किया है, ओके, वही सेम चीज़ आपको वहाँ पे
करना है, ठीक है। एक चीज़ आप गौर करेंगे तो आपको समझ में आएगा, यहाँ पे मैंने कॉमा लगा के डबल नोटेड कॉमा ओपन नहीं किया, क्योंकि लॉजिकल फंक्शन में अगर आपको कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करना है, परसेंटेज देना है या किसी को कुछ कुछ भी मतलब ऐसा स्कोर और कुछ भी ऐसा देना है, तो जहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यूज़ आएंगे तो उसके लिए आपको डबल नोटेड कॉमा ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आपको कोई मैसेज डालना है, कुछ भी पास फेल डिस्काउंट कुछ भी वर्ड ऐसा आप चाहते हो लिखी लिख के आए, तो इसके लिए आपको यहाँ पे डबल इंटर कॉमा ओपन और डबल इंटर कॉमा क्लोज करना मैंडेटरी है, ठीक है। ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में ज़रूरत नहीं है लेकिन टेक्स्ट में आपको ज़रूरत रहती है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इसका इस्तेमाल कर सकते हो। ना इतना करने के बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे जो भी मेरा टोटल होगा, ऑफकोर्स ये बात है जो मेरा डिस्काउंट होगा उससे माइनस हो जाना चाहिए, तो जी ये जो मेरा टोटल है G15 माइनस मेरा जो डिस्काउंट होगा G17, तो ये आ जाएगा मेरा टोटल। नाउ उस पर कितना परसेंट टैक्स लगना चाहिए, टोटल 5% CGST 2.5 NSGST 2.5। तो यहाँ पे सिंपल मैंने क्या किया, फार्मूला इक्वल्स टू जो भी मेरा आफ्टर डिस्काउंट के बाद जो भी मेरा अमाउंट आएगा उस पे मुझे 2.5% टैक्स अप्लाई करना है। कितना, 2.5%। तो मैंने इक्वल्स टू मेरा आफ्टर डिस्काउंट का सेल को सेलेक्ट किया, मल्टीप्लाई बाय 2.5% एंड सेम मैंने यहाँ पे भी किया है, इक्वल्स टू G19 इंटू 2.5%, ठीक है। इसको सेलेक्ट करके 2.5% एंड लास्ट में यहाँ पे डबल क्लिक किया, इक्वल्स टू सम, ठीक है, ब्रैकेट ओपन। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, अब यहाँ पे मेरा जो भी फाइनल अमाउंट होगा वो कौन सा फाइनल अमाउंट होगा, सबसे पहला तो आफ्टर डिस्काउंट वाला जो मेन मेरा टोटल देगा वो, और जो भी उसके ऊपर टैक्स लगेगा वो, यानी मैं 1, 2, 3 ये तीनों का सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे उसका टोटल आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए एक वापस एक ट्राई कर लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा 3 बना लेते हैं हम लोग। चलिए ड्रिंक्स एंड बेवरेजेस यहाँ पे ले लेते हैं, माजा, फाइन। तो नॉनवेज में फिश फ्राई लिखा है मैंने, यहाँ पे लिख लेते हैं फॉर एग्जांपल, चलिए 10 लिख लेते हैं। पार्टी ऑर्डर दे रहे हैं फॉर एग्जांपल हम लोग, कढ़ाई ले लेते हैं। रेट एग्जांपल्स में डाली मैंने 350, पहले में देखिए उसको 15% डिस्काउंट अप्लाई हो गया और कितना अच्छा लग रहा है, ये बिल इनवॉइस ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टोटल उसका कितना होता है, 3,500, ठीक है, और सब कर करके उसका कितना हो रहा है, 3,123 रुपीज़, ठीक है। चलिए और भी इसमें डालते, चलिए अभी दाल फ्राई है इसमें भी डाल देते हैं 10, और दाल फ्राई का भी चलिए कढ़ाई डाल लेते हैं एंड यहाँ पे डाल दिया फॉर एग्जांपल 100 रुपीज़। तो अब यहाँ पे देखिए डिस्काउंट 525 के बदले हमारा चेंज हो जाएगा 675, ठीक है। ड्रिंक्स एंड बेवरेज माजा लिया, चलिए अभी डाल देते हैं। अब माजा आ जाएगा आपका बॉटल्स, तो यहाँ पे ले लेंगे बॉटल्स और यहाँ पे हमने रेट डाल दिया फॉर एग्जांपल बड़ा पैक का 150 रुपीज़ डाल दिया, 1,500 एंड हियर वी गो गाइस, 6,000 का मेरा बिल बना था और मुझे सब डिस्काउंट, मुझे 900 का डिस्काउंट मिला है, क्या बात है। और फाइनल अमाउंट मेरा हो जाएगा 5,355 ओनली। आप इसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं जब आप कंट्रोल पी करेंगे, तो यहाँ पे आपको ये प्रिंट में सारी चीज़ यहाँ पे शो हो जाएगी। एक छोटा सा मैसेज भी मैंने डाल दिया विजिट अगेन का, ताकि ये थोड़ा अट्रैक्टिव देखे, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो, होप्स आपको आज की इस वीडियो में कुछ नया नया चीज़ सीखने मिला होगा। आपको इस वीडियो में कौन सा कॉन्सेप्ट सबसे ज़्यादा पसंद आया, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे ज़रूर बताएं। अगर आप ऐसे और भी वीडियोस चाहते हैं कुछ अलग टाइप्स के, कुछ अलग क्रिएटिविटीज़ के एक्सेल में, तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख के ज़रूर सेंड करें। अगर आपको ये करने में कोई दिक्कत आती है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में वो भी बता सकते हैं, मेरा ईमेल आईडी भी वहाँ पे मेंशन है, आप मुझे ईमेल भी सेंड कर सकते हो, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच, कीप शेयरिंग माई वीडियोज़ ताकि लोग भी नए नए चीज़ें सीख सकें। थैंक यू।